कांग्रेस में फिथुल गई, कांग्रेस में कोई नेता नहीं रहा। सब चल रहा है बढ़िया, अभी तक नहीं हुआ था 25 साल से। अब बीजेपी का विधायक बन गया, अब होगा विकास। अगर लोग संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब पार्टी कांग्रेस सरकार बन रही थी, जनता चल रहा हूँ तो कहूँगा वो जीती। उनकी मध्य प्रदेश में 2900 सीट आने हैं। अभी हमने भरैया जी के दर्शन भी नहीं किए, संध्या राय तो मिल गई है दो चार बार। खत्म भरैया रैया कुछ नहीं होना, बीजेपी सॉलिड बीजेपी सरकार। जो दिल्ली से शुरू में देखने आते हैं, हमारे अभी कांग्रेस की सरकार विधानसभा में है, अब है बीजेपी की, अब चालू हुई है। अब देखो पंडित जी क्या करते हैं। कांग्रेस से बोल सिंह भरैया जी को बिल्कुल नहीं देंगे हम तो वोट। किसको? बीजेपी को। जरा ही यहाँ से जीतती आई, मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो उनका बस एक ही वो रहता है कि चलो फिर घूम के आते हैं हम, तो जैसे ही चुनाव निकल जाएगा फिर उसके बाद वो दिखती तक नहीं है। केवल फॉर्म भरे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मीटर होता है टाइम, बस पेपर लीक हो जाते हैं, उन्हें कैंसिल करवा दिया जाता है, बस यही चल रहा है। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बीजेपी ने जो खाद पानी हमें कहा हो, खाद पानी टाइम पर मिल रहा है, बच्चन को खाए पीने को रात तक मिल रहा और काम मिल रहा। आप भारतवर्ष में प्राइवेट शिक्षा है, सरकारी कहीं नहीं। क्या मजबूरी है आपको? बीजेपी कैसी भी हो लेकिन फिर भी वो विकास करेगी। वो बेरोजगार नहीं है, जो हलाल है वे बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है। बताओ कांग्रेस से जैसे भरैया जी को टिकट मिला है, बेकार आदमी है, भरैया को चीतर उड़ेंगे या केवल संध्या राय? इसके बारे में तो युवाओं को सोचेंगे समझेंगे वही बता पाए। आप भी युवा हो? हाँ, तो ये बताएंगे ना, चुनाव आएगा उस टाइम पे बताएंगे। हमें तो ये लगता है कि इनमें से तो कोई है नहीं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द खबरदार न्यूज। मैं हूं आपका शेर सिंह कुशवाहा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और आज हम एक ऐसे शहर में उपस्थित हुए हैं जो अपने नाम से फेमस है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम जिला भिंड के तहसील मेहोना में उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ के लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा की तैयारी सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी शुरू कर दी है। ऐसे ही लोगों से हम चर्चा करेंगे, ये जानते हैं। सर आपका हमारे चैनल में। अब लोग संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब पार्टी कांग्रेस सरकार बन रही थी और जनता चल रहा हूँ तो कहूँगा वोट। अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव आ गया है या मतलब बीजेपी से संध्या राय जी है? बीजेपी उनकी मध्य प्रदेश में 2900 सीट आने हैं, 2900। बीजेपी का 400 पार का नारा है, 400 का नारा होना पूरा, कोई चारा नहीं है। कांग्रेस में फिथुल गई, कांग्रेस में कोई नेता नहीं रहा, मनमानी चल रही। कांग्रेस से जैसे भरैया जी को टिकट मिला है, बेकार आदमी है, भरैया को चीतर उड़ेंगे या केवल संध्या राय? बस। और यहाँ मतलब बीजेपी ने जैसे विगत वर्षों में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने यहाँ कितना विकास किया? यहाँ तो विपक्ष में रही बीजेपी, कांग्रेस को विधायक रहा 35 साल से, जहाँ विकास काय हुआ, अब आओ है, अब विकास हुआ है, आगे चल के सरकार तो बीजेपी तो आई नहीं करो उन्हें, बिन से कई पैसे काट नहीं रही सरकार ने तो नहीं हुआ विकास, अब विकास होगा, पैसे मिलेंगे, चल विकास होगा। अंकल जी बोल रहे हैं जैसे विकास होगा, आइए जानते हैं कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। लोकसभा में जैसे कि बीजेपी से संध्या राय और कांग्रेस से फूल सिंह भरैया जी को टिकट मिला है, तो आप ये लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको कौन जीतने वाला है? लोकसभा चुनाव में लगभग संध्या राय ही निकल सकती है यहाँ पे। संध्या राय? हाँ, गत वर्षों में संध्या राय जी यहाँ से सांसद थी, तो उन्होंने 5 वर्ष में यहाँ के लोगों के लिए और भिंड वासियों के लिए और भिंड के लिए कितना विकास किया? विकास तो अपनी जगह चल रहा है, विकास तो कोई भी सरकार आ जाए विकास नहीं होता है, कहाँ होता है विकास? विकास तो हो रहा है, सरकार कर रही है विकास। संध्या राय जी ने अभी आई है, उन्होंने कई मंदिरों का विकास कराया है, गौशाला वगैरह भी खुलवाई है, जानकारी मिली है, ऐसा देखा तो नहीं है, निर्माण के लिए योगदान भी किया है उन्होंने, विकास है, धीरे धीरे होता है, एकदम की तो नहीं होता है। जैसा कि मतलब 32-33 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस का विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके कार्यकाल में यहाँ लाहौर और मेहोना आसपास जितनी भी विधानसभा है उनने कितना विकास किया? उन्होंने भी विकास किया, जिसकी सरकार आती है वो विकास होता है। हाँ होता है, मेहोना के लिए किसी ने विकास नहीं किया, अब चल रहा है प्रक्रिया, अब देखो क्या होता है, चुनाव आने आ गए हैं,
विकास होगा। मतलब ये है कि मतलब बरैया जी को कांग्रेस के टिकट दिए तो बरैया जी को आप किस नजरिए से देखिए? अभी हमने बरैया जी के दर्शन भी नहीं किए, संध्या राय तो मिल गई है दो चार बार हमें, राय भवना में आई है, आई है कई बार आई है, जनसंपर्क भी हुआ है उनसे। यहाँ से संध्या राय जी का निकलने का चांस है? बिल्कुल है, संध्या राय जी निकलेंगी वो। ठीक है, ऐसे ही हम और लोगों से चर्चा करते हैं जानते हैं। जी अंकल जी, मुझे लेट चल रही, क्या लगता है आपको कौन आने वाला? संध्या राय, संध्या राय बीजेपी। और कांग्रेस से यहाँ बरैया फूल सिंह बरैया जी को टिकट नहीं होना, खत्म बरैया रैया कुछ नहीं होना, बीजेपी सॉलिड बीजेपी। अच्छा, बीजेपी शासन में शिक्षा को के स्तर को देख के आप क्या? सारे स्तर बढ़िया है, सारे स्तर बढ़िया है, सर्वप्रथम देश है और देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल युवा बेरोजगार हो रहा है, वो बेरोजगार नहीं है, जो हलाल है वे बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं है, को बेरोजगार है बताओ। विकास कार्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यहाँ पे विकास कार्य हुआ है? सब चल रहा है बढ़िया, अभी तक नहीं हुआ था 32 साल से, अब बीजेपी का विधायक बन गया, अब होगा विकास। अभी गुड्डू शर्मा जी मतलब विधायक बने हैं, तो अब क्या लगता है आपको, वो विकास कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल होगा विकास। 33 साल में यहाँ कांग्रेस विधायक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब हो रहा है, सब हो रहा है, काम बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखा है आपने, हमने भिंड लोकसभा में कुछ लोगों से चर्चा की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर भिंड लोकसभा में किसकी लहर है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।